पुलिस के मुताबिक कि उन्हें बच्चे मारन तो बाद अपनी बीवी मारनी सी, बीवी कत्ल करने तो बाद मासूम का खून करना सी, फिर उन्हें अपनी बड़ी बेटी तक रसाई पा के ईजी हो जाना सी। उन्हें भी इल्फाज किया उन्होंने गोली मार दो, मैं कुछ भी नहीं किया, लेकिन पुलिस वाले ने फिर गल नहीं सुनी, फिर उन्होंने कुटिया। फिर कहता सबर करो तुम मैं सब सच दसना, फिर रात कहता इस जगह पर मैं सुटिया। उन्हें फिर पुलिस ने बयान दिता कि बच्चे मेरे नहीं सीगे, फिर पुलिस वाले ने डीएनए टेस्ट किया छोटी बच्ची का, वो भी जरा साबित होया कि बच्चे ऐसे ही सन। न्यूज़ टुडे की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। नाज़रीन, ये हमारे साथ उन बच्चों के मामू मौजूद हैं, इनसे जानेंगे कि ये क्या कहते हैं, इनके इलम में कब आया और कोई लड़ाई झगड़ा था, मामला असल में क्या था, ये क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सबसे पहले आप मामू हैं, हम अफसोस करते हैं, दुख का इजहार करते हैं, अल्लाह ताला आपको सब्र दे, हिम्मत दे और आपके जो लाल जो फूल दुनिया से चले गए अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फरदौस में जगह अता फरमाए। तो आप मामू हैं, आपके इलम में कब आया कि मेरे भांजों के साथ भांजी के साथ ये मामला हो गया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर असी बदामी बाग दे रहिशी हैं जी, असी तो अपने घर बैठे सा, रात के तकरीबन 10:45 का टाइम सी, सानू फोन आया दूसरी भैन का, पुराने काने व्याई हो साडी भैन, उहदा फोन आया कि सकीना के बच्चे नहीं लभ रहे, मेरे अबू के पैरों थले जमीन निकल गई, साढ़े पूरे घर के थरथली मच गई। तो असी उस टाइम ही मोटरसाइकिल बैठे हाँ, तो असं रात को 11 बजे घरों निकले हाँ, आंदे आंदे भी घंटा लग ही जाता है, इतने पहुंचे हाँ तो इतने भैन साड़ी रो रो के पागल हो रही थी, दुध पीती बच्ची सी 2 साल की, फिर रात को 4 दफा उठ के तो दुध पीना होंगे सी फीडर के, और तुम वीडियो देखो बड़ी मासूम बच्ची, बहुत ज़्यादा मासूम बच्ची, सानू तो आ जा के ख्याल आ रहे थे, उन्होंने दुध पीना है तो उन्होंने की करिए रात 12 बज गए, उन्होंने हूँ दो बड़ी दुध पी लेंदी है, अही सोच सोच के साडे दिमाग पागल हो रहे। जो प्यो से उन्होंने मिले हाँ की गल है, कहना मैं तो बच्चे दुकान से छड़ के गया वहाँ, यही बयान उन्हें पुलिस वाले ने दिता कि मैं बच्चे दुकान से छड़ के गया वहाँ। असी दुकान वाले पूछे रात के 12 बजे असी पूरे पिंड लान करा, मौलविया ने सुत्या भी उठा के लान करवाए। आए तो बच्चों के वालद को की गलबात की? असी उन्हें कहा अजीम भाई है की मसला है, कहता यार असी तो बच्चे इतने छड़ के गया, मैं कहा डबल रोटी लाया तो घर छड़ गया, मैं बच्चों छड़ के आप चला गया वहाँ, लेकिन वह साबर मुंडा जहाँ व्डा सी घर आया बिजली की तेजी वाकू, घर आ गए डबल रोटी सुट के बड़ भज गया, जिम्मे बच्चा खुशी नाल नहीं जाता कि मैं बड़ा खुशी खुशी नाल पागल होकर जाता है वड्डा बच्चा, वड्डा बच्चा। अच्छा। माँ ने पूछा मेरा भरा भी घर जी किधर जा रहे हैं, कहता मामू मैं पापा के पास जा रहा हूँ बाइक पर खड़े, उदो जो बाहर वो समैया नबीहा आयशा तीन भैन वे को मोटरसाइकिल मौजूद सन, उन्हें डबल रोटी सुटी है बिजली की तेजी वाकू बाहर निकल गया, गल दस के सन बच्चा दस के गया कि मैं अपने पापा के नाल जा रहा हूँ। ठीक है, तो वह ना दस के तो चला गया, फिर भरा मेरा इतने से, भैन ने कहा कि उन्होंने फोन कर भरा अपने पूछ कितने वे बच्चे, उन्हें फोन किया अजीम भाई बच्चे घर नहीं आए, किधर हो तुम बच्चे ढाडे कोल ने, कहता नहीं नहीं बच्चे मेरे को नहीं गए, तो फिर घर आया पहले तो अद्धा पौना घंटा उन्हें फोन नहीं चुकया। अच्छा, फिर वो घर आया तो घर आके साडे नाल बच्चे लभने शुरू करते, उधरों सानू भी फोन आया जी, असीं भी 12 बजे इत्थे पहुँच गए सां, तो असीं फिर बच्चे लभने शुरू करते, फिर पुलिस वालों ने बुलाया, उन्होंने मौका वारदात देखी कितने बच्चे जो आए हो, वालद साहब सी बच्चे गुम हो गए, जहरी गल है तुसी दुखी दौड़े दौड़े आए, बड़े ज्यादा सारा खानदान दुखी हो गया, तो वालद साहब के की तासरात देखे? वालद साहब के तासरात ए सी जो आए हैं मुँह चे पान सी। अच्छा, ठीक है, तो इन्ना ज्यादा परेशान भी है सी, रोंदा भी पिया सी साडे नाल गले लग लग के रोंदा पिया सी, मेरे बच्चे जेडे आंसू सुट रहा सी। अच्छा, ते फिर उन्होंने ओदे भरा ने सुबह एक मीडिया वाला बुलाया, उन्होंने इंटरव्यू भी दिता है, उन्हें कि मेरे बच्चे नहीं लभ रहे, पुलिस काम नहीं करती भी मेरे नाल, ते रोंदा बड़ा पिया सी कि मेरे बच्चे किधर गए, मेरे बच्चे किधर गए, लभो लभो बच्चे लभो, उन्हें पुलिस वाले ने भी इन्ना बेवकूफ बनाया, सानू तो बनाया ही बनाया, हाँ पुलिस वाले भी साडे नाल लभदे रहे, वकास साहब सब इंस्पैक्टर एडिशनल SH हो गए सर, नाइट शिफ्ट से उन्होंने, तो वो साढ़े नाल आप खुद लभदे रहे हैं, फिर उन्होंने पुलिस वाले ने पूछा कि तू गया किधरों किधरों, जो तो रस्ता देखे उन्होंने कैमरे CCTV चेक किए, तो वो बच्चे ना वो एक कैमरे के आ गए, उन्होंने शक हो गया, वो तो बच्चे ने भी कहा कि मैं पापा ना जा रहा, उतो कैमरे के भी आ गया, फिर उन्होंने कहा बंदे को ही बच्चे ने, उन्होंने फिर उस टाइम ही जो उन्होंने गिरफ्तार किया तो लै गए थाने, उस तो बाद मुलाकात नहीं हुई, शक हो गया सानू भी नहीं दसिया, सानू उदो दसिया उन्होंने CCTV उदो दिखाई जो अजीम ने मुंह बक दिता कि मैं बच्चे नहर च सुट दे।
अच्छा फिर उस तो बाद जो तुहानू पता लगा कि ये अजीम ने यह काम कर दिता है और पुलिस वाले तुहानू दस्या फिर की तुहाडे ते कैफियत साडे कैफियत ऐसी कि असी मानते नहीं सीगे मानते नहीं सी असी क्या पुलिस वाले झूठ बोल रहे सीसीटीवी जिहड़ी इन्हां ने सानू दिखाई है ना सानू उहदे ते भी शक सी कि अजीम दी नहीं हैगी है क्योंकि सानू वाजिया चेहरे नज़र नहीं आए उन्होंने टैलीविजन तो मूवी बना के लै गए सी LCD तो लाइट वज रही थी सानू ना वाजिया नज़र नहीं आए लेकिन एक जगह इंज महसूस होता कि बच्चे बैठे ने वाजिया शक्ल नज़र नहीं आई नज़र आ रहा है ना जी सानू वाजिया नज़र नहीं सी आ रहा अच्छा, अच्छा, पुलिस वालों का अपना एक तजर्बा सी उन्होंने तजर्बे की बेस से उन्होंने गाइड किया अपनी टीम को कि यार भाई अजीम ही हो सकता है फिर जो उन्होंने वेरीफिकेशन की इनवेस्टिगेशन की उन्होंने मारिया तो फिर वो मन गया साढ़े सामने उन्होंने कुट पई है तो फिर कहता कि मैं पुलिस वाले उत्थे भी बेवकूफ बना रहा कुट खा के भी कहता पाया कि अल्लाह की कसम है मैं अपने हाथों नाल मैं अपनी धी रोटी खवाना सा मैं खवादी से वो तो मेरे बगैर रही नहीं मैं इंज इंज गल करता पुलिस वाले लेकिन वो माँ के प्यारियां ने उसकी एक गल नहीं सुनी कोई तरस नहीं किया कुटिया फिर कहता मैं ना मारो मैं गोली मार दौ मैं कुछ भी नहीं किया इन्हें भी लिफाज गया मैं गोली मार दौ मैं कुछ भी नहीं किया लेकिन पुलिस वाले ने फिर गल नहीं सुनी फिर उन्होंने कुटिया फिर कहता सबर करो तुम मैं सब सच दसना फिर रात को उन्होंने गड्डी दबाया तो लै गए उधर नहर से कहता इस जगह पर मैं सुटिया वो नहर ना भैन चुप कर जा मेरी भैन चुप कर जा की वजह सी वजह कुछ सामने आई वजह एडे गंदे अल्फाज है तुम आई जी का बयान सुन लो तुम पता लग जाएगा हम छोटे छोटे बच्चे बैठे ना सामने मैं की बयान करा अच्छा एक ही वजह सी जड़ी के गल 100% यही वजह है हूँ इन्हों का माँ प्यो मामे अजीम दे भरा एक गल कढ रहे ने कि उस दिन ही मरीज है पुलिस वाले ने भी किया आई जी का बयान सुन लो वो आई जी साहब साफ बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड कह रहे हैं कि अजीम किसी किस्म का जहनी मरीज नहीं गा उन्हें अपने होशो हवास के बयान दिता है उन्हें खुद कतल किए ने वजह उन्हें जी अजीम ने दसी है वह इतने माइक मीडिया के सामने दसन के काबिल नहीं है शर्मनाक वजह हैगी बच्चों नू सारे नू खत्म करन दा मकसद ये सी कि मैं रसाई अपनी वड्डी बेटी दी करूं रसाई आसान हो जाए पुलिस दे मुताबिक कि उन्हें बच्चे मारन तो बाद अपनी बीवी मारनी सी कतल कर रही सी बीवी कतल करन तो बाद अस मासूम दा खून करना सी फिर उन्हें अपनी वड्डी बेटी तक रसाई पा के ते इजी हो जाना सी अच्छा दो शादियां सी नहीं ऐ भी बयान बिल्कुल गलत दिता जा रहा है मीडिया दे उत्ते बहुत अफवाह फैल रही है कि उहदी वाइफ दीआं दो शादियां होईआं सन ऐसी कोई गल नहीं गई ओदी भी पहली शादी है एदी भी पहली शादी है अब बच्चे उन्होंने अपने ने उन्हें फिर पुलिस ने बयान दिता कि बच्चे मेरे नहीं सीगे फिर पुलिस वाले ने DNA टेस्ट किया छोटी बच्ची का स्नोपर का DNA टेस्ट किया तो ओदे विच भी जरा साबित होया कि बच्चे एदी सन अच्छा घर के पैसों की कोई गुरबत ए मौजूदा ड्यूटी कार्ड है ए पुराने ड्यूटी कार्ड ने ए वाले अद्धे पोस्ट दसो जरा की गई देखी नादरीन इस पे असिस्टेंट मैनेजर लिखा हुआ है और ये निशात मिल का है इनका कार्ड जो वो अजीम जो ड्यूटी करता था और पैसे मुनासिब कमाता था 80,000 रुपए के लाख के करीब उसकी सैलरी थी और वो घर का अच्छा घर पैसे देता था घर में वो पैसे नहीं देता था सिर्फ घर में राशन और खाने पीने की चीज़ें जो होती वो ला के देता था लेकिन वो भी इस मकदार में कि इनको अक्सर कैसे बोलूं दिल फटता है कसम से बातें करते हुए कि माँ भी ये बच्चा पैदा होने से ना तकरीबन 1 महीना पहले 2 महीने पहले माँ को अच्छी चीज़ें खिलानी चाहिए ताकत वाली चीज़ें खिलानी चाहिए उन दिनों मेरी बहन ने सूखी रोटी पानी में डिबो डिबो के इन बच्चों को भी खिलाई है और ख़ुद भी खाई है कोई हुकूमती बंदा कोई आला अफसर आपके घर आया है अफसोस करने मदद करने या आपका दुख बांटने नहीं जी साढ़े घर सिर्फ पुलिस वाले ही आए ने SP अनूश है लड़की वो साढ़े घर आए सी 3 से 4 मिनट के वास्ते हाल चाल पूछा तो चले गए हुकूमती नुमाइंदा कोई नहीं आया माँ को देखो मासूम बच्चे को देखो हम कोई फैक्ट्रियों में बड़े वर्कर नहीं है कोई अच्छी पे कमाने वाले नहीं हैं हम डेली बेस पे कमाने वाले हैं डेली बेस पे खाने वाले हैं अभी तो हम जब से ये मामला हुआ है हमें तो टेंशन पड़ गया इस घर का किराया कैसे देना है घर में राशन किधर से लाना है नादरीन ये रेंट पे घर है और ये बच्चा छोटा सा जिसके पहले भी हालात ख़राब थे यार अब माँ जिसका सहारा भी नहीं रहा कहाँ से पैसे आएंगे कहाँ से रोज़गार चलेगा जो कि हुकूमत की जिम्मेदारी है आला हुकाम को अफसरान को हुक्मरानों को चाहिए इनके घर आएं इनका दुख बांटें और इनकी दुआएं लें और इनके बच्चों पे शफकत का हाथ रखें ताकि इनका जो टाइम है
जो ज़िंदगी है वो बेहतर तरीके से गुजर सके, और जिसने इतना घिनौना जुर्म किया है उसको करार वाकई सज़ा मिलनी चाहिए। इजाज़त दे दिए अल्लाह ने के बाद।